गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8, एक्सरसाइज 1.3. सब्सट्रैक्ट करना है, यानी इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है. 3/7 को 5/7 से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. तो देखिए, 5/7 में 3/7 हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. देखिए, दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम एलसीएम उसका वही होगा, 7 ही होगा. अब इसके बाद 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2/7. सब्सट्रैक्शन तो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, तो बहुत ही आसान है इसको सब्सट्रैक्ट करना. चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन. इसमें भी देखिए डेनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को 11 लिख लिया. ये प्लस में है, 4 4, और देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 7. 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11. नीचे भी कितना है, 11. 11 वन ज़ा 11, आंसर आ गया 1. बहुत ही आसान है. बाकी का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन खुद से करिएगा, फोर्थ और फिफ्थ खुद से करिए. नेक्स्ट देखते हैं, इवेलुएट करना है, यानी वही वर्क करना है. यहाँ हमें डेनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम लेके करना होगा. देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए 2/5 - 3/4. देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो 5 4 = 20 हो जाएगा. इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20. 4 2 = 8. 5 3 = 15. ये हो जाएगा आपका, 15 में से 8 जाएगा, यानी माइनस होगा तो 7 आएगा, 7/20. इस तरीके से आपको करना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको -4/5 में से -2/3. देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो हम इसको यहाँ प्लस कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया. या आप छोड़िए, जैसी आपकी मर्जी. आप यहाँ क्या करिए, -4/5, और इसको हमने देखिए ये काट दिया है, तो ये प्लस हो गया 2/3. अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इसके डेनोमिनेटर का. 5 3 = 15. 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 12 होगा, वो भी किस में, माइनस में. 5 2 = 10, ये प्लस में होगा. 12 में से 10 जाएगा, -2, क्योंकि माइनस वाले लव न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है. -2/15 हो जाएगा, 15. इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखिए माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया, अब ये क्या हो गया, -4/-, यहाँ कट गया था, 4/13 -5/9 हो गया. इसका हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया. सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था. देखिए यहाँ 9 है, 13 नहीं है, तो बहुत ही आसान है, ये रॉन्ग है. -4/9 -5/9, नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस. अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा 4 - 5. तो देखिए 4 में से 5 -1/9, ये हो गया आपका आंसर. बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए. इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है. बाकी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, उसी तरीके से सॉल्व होंगे. थैंक यू सो मच.